राजस्थान रॉयल्स को हराकर सनराइज हैदराबाद की टीम ने बनाई फाइनल में जगह रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए क्वालिफाई टू मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सनराइज हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, ध्रुव जुरेल का संघर्ष भी देखने लायक था। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस सनराइज हैदराबाद की टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के महामुकाबले के टॉस की हम बात करें तो दोस्तों सिक्का उछाला आज के इस मुकाबले में पैट कमिंस ने और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही अभिषेक शर्मा के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से शानदार 71 मीटर का छक्का देखने को मिला और शानदार शुरुआत हैदराबाद की कर दी। तो इसके बाद दोस्तों, पहले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका स्ट्रेट शॉट खेलते हुए चढ़ दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी की और यहाँ पर अभिषेक शर्मा को कैडमोर के हाथों कैच करा कर पेवलियन भेज दिया और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला दी। यहां पर अभिषेक शर्मा 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका राहुल त्रिपाठी के बल्ले से देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर। तो इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी त्रिपाठी ने एक शानदार चौका कवर पॉइंट के बीच से जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, चौथा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद जो कि फुल टॉस गेंद थी, जिसको फुल टॉल के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया राहुल त्रिपाठी ने और एक और शानदार छक्का जड़ा यहाँ पर स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने। तो इसके बाद दोस्तों, उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ा। अब अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए यहाँ पर त्रिपाठी स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको पेवलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने। यजवेंद्र चहल ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे त्रिपाठी की पारी, जहाँ पर उन्होंने 15 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने चलता किया यहाँ पर एडन मार्करम को यजवेंद्र चहल के हाथों कैच कराकर। यहाँ पर इस मुकाबले में मार्करम की वापसी जरूर हुई, लेकिन वो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने और एक ही ओवर में 2 झटके यहाँ पर SRH को लगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ट्रेविस हेड ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड स्कर्ले के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की चौथी गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को हेनरी क्लासन ने मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकफुट से शानदार शॉट खेलते हुए। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने ट्रेविस हेड को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा और सबसे बड़ी सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। 28 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेवलियन लौटे ट्रेविस हेड। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की चौथी गेंद पर यजवेंद्र चहल के एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ने में कामयाब हुए हेनरी क्लासन, ये भी एक छोटी गेंद पर शानदार बड़ा शॉट उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने नीतीश कुमार रेड्डी को यजवेंद्र चहल के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया। यहाँ पर वो सिर्फ 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर आवेश खान ने अब्दुल समद को भी बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण सफलताएँ राजस्थान की झोली में डाल दी। गोल्डन डक पर ही आउट हो गए अब्दुल समद। लेकिन इसके बाद 15वां ओवर डालने आए यजवेंद्र चहल की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला क्लासन के बल्ले से वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 17वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर भी शाहबाज अहमद के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। ये काफ़ी देर से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर छक्का जड़ने में वो कामयाब हुए।
इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी ट्रेंट बोल्ट की गेंद को हेनरी क्लासेन ने शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी रही और इनका शानदार ही अर्धशतक रहा, जहाँ पर 33 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर का सामना कर रहे क्लासेन को पहली गेंद पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया संदीप शर्मा ने। यहाँ पर भी राजस्थान को बड़ी सफलता मिली क्योंकि ये आखिरी दो ओवर में गेम पलट सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद पैट कमिंस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका 19वें ओवर की चढ़ने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस ओवर में और कोई बाउंड्री नहीं, जबकि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहबाज अहमद को आवेश खान ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। शाहबाज अहमद भी 18 गेंदों का सामना करने के बाद 18 ही रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद जयदेव यूनाइटेड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका स्क्वाड लेग की तरफ लगाने में वो भी कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों पारी की आखिरी गेंद पर भी जयदेव यूनाइटेड रनआउट होकर पवेलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 175 रनों पर रोक लिया सनराइज हैदराबाद की टीम को। वहीं पर राजस्थान के सामने अब 176 रनों का लक्ष्य था फाइनल में पहुंचने के लिए। वहीं पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और कैडमोर पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्के के साथ शानदार आगाज किया यशस्वी जायसवाल ने। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी जायसवाल के बल्ले से मिडविकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर कॉलर कैडमोर के बल्ले से भी देखने को मिला। लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे चौके के लिए, लेकिन आखिरकार उन्हें बाउंड्री मिली। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार खड़ी हुई और सीधे पहुंच गई कवर पॉइंट पर खड़े त्रिपाठी के हाथ में और यहां पर पहली सफलता मिल गई सनराइज हैदराबाद की टीम को। 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर कैडमोर पवेलियन लौटे और राजस्थान को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका आउटसाइड द ऑफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और पावरप्ले की आखिरी ओवर की शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका यहाँ पर जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और भुवी के इस ओवर में कमाल की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका निकला और 6 ओवर में टीम के स्कोर को 51 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद भी दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने यशस्वी जायसवाल को अब्दुल समद के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और मुकाबले में वापसी करवा दी सनराइज हैदराबाद की टीम की। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन को एडन मार्करम के हाथों कैच कराकर मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान के रूप में एक बड़ा झटका आरआर को दिया। यहां पर दोस्तों संजू सैमसन 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर शाहबाज अहमद ने रियान पराग को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और पूरी तरीके से मुकाबले पर शिकंजा कस दिया सनराइज हैदराबाद की टीम ने। यहाँ पर रियान पराग 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर ही शाहबाज अहमद ने रविचंद्रन अश्विन को भी चलता कर दिया हेनरी क्लासेन के हाथों कैच कराकर और एक और करारा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा। यहां पर रविचंद्रन अश्विन 3 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों 34 गेंदों के इंतजार के बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का यहाँ पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिमरन हेटमायर को भी बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता मिल गई। सिमरन हेटमायर 10 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब आखिरी 6 ओवर में 83 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम को।
इसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरेल ने 16वें ओवर में दो बेहतरीन चौके जड़े। जब उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर इसी ओवर में अभिषेक की गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार पे जा या यूं कहे तो लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार चौका उन्होंने जमा दिया। इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर में भी ध्रुव जुरेल का शानदार परफॉर्मेंस दिखा और इस ओवर में भी उनके बल्ले से एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का देखने को मिला। हालांकि यहां पर ट्राई जरूर किया था त्रिपाठी ने, लेकिन उनका पैर लग चुका था रोप पर और यहां पर छक्का मिला। शानदार बल्लेबाजी करे ध्रुव जुरेल को। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर नटराजन ने रोमन पावेल को पेवलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा, तो वहीं पर रोमन पावेल 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से 19वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस के शानदार चौका ध्रुव जुरेल ने जड़ा, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जिसके चलते उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 26 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को वो जीत तक तो नहीं पहुँचा पाए, क्योंकि 139 रनों तक ही पहुँच पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में, और इस मुकाबले में 36 रनों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सनराइज हैदराबाद की टीम ने दमदार जीत के साथ ही यहां पर फाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों सनराइज हैदराबाद की इस जीत के बाद आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, केकेआर या फिर एसआरएच? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।